Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं अलविजनो मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ निक्का जिल्दा 3 के बारे में। एम ए विर्क वामिका गाबी इस मूवी में आपको मेन लीडिंग रोल में दिखाई दिए हैं। निक्का जिल्दा 3 एक पंजाबी मूवी है जिसे काफ़ी ज़्यादा हाइप मिली थी स्टार्टिंग दिनों में। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मूवी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट रिलीज़ हो चुका है। वो दोनों पार्ट जब रिलीज़ हुए थे तो काफ़ी अच्छा उन्होंने बॉक्स ऑफिस में परफॉर्म किया था और मूवी को हिट का सुपर हिट का वर्डिक्ट भी मिला था। लेकिन निक्का जिल्दा 3 रिलीज़ हुई है, इस मूवी को मिक्स्ड रिव्यू ज़रूर मिला, लेकिन एम ए विर्क के स्टारडम और वामिका गाबी के फैन फॉलोइंग की वजह से इस मूवी ने अपने स्टार्टिंग के दिनों में बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। हालांकि इस निक्का जिल्दा 3 के फ्रेंचाइज का भी इस मूवी को इफेक्ट देखने को मिला, यानी कि इंक्रीज देखने को मिला कलेक्शन में, क्योंकि पहले से फर्स्ट दो पार्ट मूवी के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो ज़रूर प्रेस करें। देखिए कलेक्शन की बात करूँ तो पहले डायरेक्टर के बारे में बता दूँ, सिमरजीत सिंह ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। 20 सितंबर यानी 20 सितंबर को मूवी को रिलीज़ किया गया था। इंडिया में 350 स्क्रीन मूवी को मिली थी और कलेक्शन की बात करूँ तो मूवी ने फर्स्ट वीकेंड में 5 करोड़ 65 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया था इंडिया में, वर्ल्ड वाइड में 9 करोड़ 45 लाख का। वहीं बात करूँ नाइन्थ डे की तो मूवी ने नाइन्थ डे में लगभग 45 लाख के आसपास का कलेक्शन किया है। कलेक्शन में ज़्यादा इंक्रीज देखने को इसलिए नहीं मिला क्योंकि बारिश है और साथ ही साथ में काफ़ी जगहों में इंडिया में बारिश भी है, और साथ ही साथ में अगर बात करें दूरबीन मूवी की तो वो भी रिलीज़ हुई है तो उसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिला है। बात करूँ टोटल कलेक्शन की तो 8 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन हो चुका है इंडिया में। और टेंथ डे की बात करूँ यानी कि मूवी के आज के दिन के कलेक्शन, आपको पता है संडे है, फुल डे छुट्टी है और कॉलेजेस में ऑफिस में सभी जगह छुट्टी होती है इंडिया में, तो उसका इफेक्ट उसका इंक्रीज देखने को मिलेगा और मूवी कहीं ना कहीं टेंथ डे में अगर 50 लाख के आसपास का कलेक्शन भी करती है तो मूवी का टोटल कलेक्शन 9 करोड़ हो जाएगा और वर्ल्ड वाइड में लगभग 14 करोड़ 50 लाख के आसपास। तो आपको क्या कहना है निक्का जिल्दा 3 के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। जब इस मूवी का ऑफिशियल कलेक्शन रिलीज होगा तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलविजनो मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सुर्ख बिंदी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। मैं आपको बता दूँ सुर्ख बिंदी मूवी को साहू मूवी के साथ टक्कर देखने को मिली थी 30 अगस्त को और मूवी ने बॉक्स ऑफिस में एक अच्छा खासा कलेक्शन जरूर किया है, लेकिन ओवरसीज से मूवी का कलेक्शन उतना सही नहीं रहा है। इंडिया में मूवी ने हालांकि एक अच्छा कलेक्शन जरूर किया है। तो इस वीडियो में आपको फुल कलेक्शन के बारे में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो सीधे आपको कलेक्शन की तरफ ले चलता हूँ। पहले बता दूँ फर्स्ट वीकेंड में मूवी ने टोटल कलेक्शन 2 करोड़ 20 लाख का इंडिया में किया था, 4 करोड़ 40 लाख का वर्ल्ड वाइड में ग्रॉस कलेक्शन। वहीं अगर फर्स्ट 10 डेज़ की बात करूँ तो 5 करोड़ 22 लाख का नेट कलेक्शन इंडिया में और 10 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में। वहीं अगर 30 डेज़ का यानी आप कह सकते हैं लाइफ टाइम का टोटल कलेक्शन की बात करूँ तो मूवी ने 7 करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया में किया है, और वहीं वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो 12 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया है। तो मूवी ने 12 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में। तो आप कह सकते हैं कि मूवी का बजट जो था वो सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ 50 लाख का मूवी का बजट था और मूवी ने 12 करोड़ का वर्ल्ड वाइड में ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है और 7 करोड़ का इंडिया में, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हो चुकी है। सुपर डुपर हिट या ब्लॉकबस्टर तो नहीं हुई लेकिन हिट मूवी जरूर हो चुकी है। तो आपको क्या कहना है सुर्ख बिंदी के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलविजनो मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दूरबीन मूवी के बारे में। जैसा आपको पता होगा दूरबीन में वामिका गाबी और निंजा लीडिंग रोल में दिखाई दिए थे। मैंने आपको कल कहा भी था कि फर्स्ट डे का मूवी का कलेक्शन जो है वो 25 लाख से 30 लाख के आसपास का ही रहने वाला है, क्योंकि मैंने इसकी फुल डिटेल चेक की है एडवांस बुकिंग के बारे में, तो इससे ज़्यादा मेरे का कलेक्शन नहीं होगा। और आज इसका ऑफिशियल कलेक्शन मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस जरूर करिएगा। देखिए दूरबीन आपको पता है बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड मूवी नहीं थी, एक नॉर्मल मूवी थी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन फिर भी मूवी को बहुत अच्छा स्टार्ट भी नहीं मिला और मूवी ने बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स भी नहीं थी, लेकिन फिर भी निंजा और वामिका गाबी की स्टारडम की वजह से थोड़ा बहुत कलेक्शन करने में मूवी कामयाब रही थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था ईशान चोपड़ा ने। मूवी को 27 सितंबर को रिलीज़ किया गया था। मूवी ने अपने फर्स्ट डे में 27 लाख का इंडिया में कलेक्शन किया है, सेकंड डे में 33 लाख के आसपास, और वहीं फर्स्ट 2 डेज़ की बात करूँ तो 60 लाख का मूवी का कलेक्शन हो चुका है। थर्ड डे आज संडे है तो आपको पता है होल डे छुट्टी होती है पूरे इंडिया में, तो कहीं ना कहीं आज के दिन मूवी 40 लाख के आसपास का कलेक्शन कर सकती है। अभी की ऑक्यूपेंसी की बात करूँ तो नॉर्मल ऑक्यूपेंसी है, कल के ऑक्यूपेंसी से थोड़ा सा इंक्रीज़ आपको देखने को मिला है, ज़्यादा नहीं।
तो आज के दिन मूवी 40 लाख के आसपास का कलेक्शन भी करती है, तो मूवी का टोटल कलेक्शन फर्स्ट 3 डेज का हो जाएगा 1 करोड़ के आसपास। तो आपको क्या कहना है दूरबीन मूवी के बारे में, और आपको क्या लगता है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस में आने वाले दिनों में कितना अच्छा परफॉर्म करेगी, क्या मूवी हिट हो पाएगी या 5 से 6 करोड़ के आसपास पहुँच पाएगी या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।